ओम नमः शिवाय। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान विष्णु और उनके हर एक रूप के हाथों में शंख अवश्य होता है, मगर भगवान शिव के पास शंख नहीं होता और भगवान शिव को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। क्या है इसके पीछे छुपा रहस्य? आइए आज आपको ये कथा सुनाते हैं। दैत्यराज दंभ संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठिन तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। श्री हरि ने दंभ से वरदान मांगने को कहा। तब दंभ ने मांगा कि प्रभु, मुझे अपने समान तेजस्वी और बलवान पुत्र का वरदान दीजिए, जो तीनों लोकों में अजय और महापराक्रमी हो। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दंभ के यहाँ एक बलशाली पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। आरंभ में तो शंखचूड़ बहुत धर्मवान था। उसने पुष्कर में जाकर घोर तप भी किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए और जब ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो शंखचूड़ ने ब्रह्मदेव से वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए, देवता उसे कभी ना हरा पाए। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को इच्छित वरदान के साथ साथ नारायण कवच भी प्रदान किया। कुछ समय पश्चात शंखचूड़ का विवाह धर्मध्वज की परम तेजस्वी और साध्वी कन्या तुलसी से हुआ। शंखचूड़ का जन्म श्रीहरि के आशीर्वाद से हुआ था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। ये सोचकर शंखचूड़ में अभिमान आ गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्रीहरि ने कहा कि मैंने स्वयं दंभ को अपने समान परम बलशाली पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए शंखचूड़ के अत्याचारों से मैं नहीं केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद देवताओं ने महादेव को जाकर अपना कष्ट सुनाया। तब महादेव देवताओं के दुख को दूर करने के लिए तैयार हो गए। महादेव और शंखचूड़ के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ। शंखचूड़ के पास नारायण कवच था, इसके साथ साथ उसकी पत्नी वृंदा, जो बाद में तुलसी के नाम से जानी गईं, उन्होंने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शंखचूड़ को एक अभेद्य कवच से युक्त कर दिया था। इस कारण महादेव उसका वध नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने श्रीहरि से शंखचूड़ के वध की राह निकालने की प्रार्थना की। शंखचूड़ बड़ा दानी भी था, वो प्रतिदिन दान किया करता था, इसलिए श्रीहरि विष्णु ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और नारायण कवच उससे दान में ले लिया। उसके बाद श्रीहरि ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। अनेक वर्ष के बाद पति को लौटा देख तुलसी प्रसन्न हुई और पत्नी समान आचरण किया, जिससे तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया, जिसके खंडित होते ही शंखचूड़ का दूसरा कवच भी भंग हो गया। तब महादेव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कहते हैं कि त्रिशूल के प्रहार से नारायण के समान बलशाली शंखचूड़ की हड्डियां चूर हो गईं और उसकी हड्डियों के चूरे से ही शंख बना। चतुर्भुज नारायण अपने एक हाथ में शंख धारण करते हैं, इसीलिए श्रीहरि एवं अन्य देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु क्योंकि महादेव ने उसका वध किया था, इसीलिए उनका शंख से जलाभिषेक करना मना है। और क्योंकि पिता महादेव पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए गणपति जी भी शंख से चढ़ाया हुआ जल स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आप भी कभी भी शंख से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित ना करें। हर हर महादेव।